साल बाद भारत के लिए सुनहरा पल आया है। जहां एक ओर मिस यूनिवर्स 2021 पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, वहीं इस खिताब को भारत की हरनाज संधू ने अपने नाम कर लिया है। बता दें कि 70वां मिस यूनिवर्स पेजेंट इस साल 12 दिसंबर को इसराइल में संपन्न हुआ। इस कॉम्पिटिशन के प्रीलिमिनरी पार्ट में 75 से ज्यादा हसीनाएं और टैलेंटेड महिलाएं प्रतिभागी रही। वहीं टॉप 3 में 3 देशों की महिलाओं ने जगह बनाई और वहीं अब भारत की हरनाज कौर संधु ने सबको पीछे छोड़ यह खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बार मिस यूनिवर्स 2021 को उर्वशी रौतेला ने जज किया, साथ ही दिया मिर्जा भी समारोह का हिस्सा बनी। पंजाब के चंडीगढ़ की रहने वाली हरनाज संधु पेशे से एक मॉडल है। 21 साल की हरनाज ने मॉडलिंग व कई पेजेंट में हिस्सा लेने और जीत हासिल करने के बावजूद भी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। हरनाज ने साल 2017 में मिस चंडीगढ़ का खिताब जीता था। इसके बाद उन्होंने मिस मैक्स इमर्जिंग स्टार इंडिया का खिताब अपने नाम किया। ये दो प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम करने के बाद हरनाज ने मिस इंडिया 2019 में हिस्सा लिया और तब वह टॉप 12 तक पहुंची थी। मॉडलिंग के साथ साथ हरनाज एक्टिंग में भी कदम रख चुकी हैं। हरनाज के पास 2 पंजाबी फिल्म यारा दिया पू बारा और बाई जी कोटांगे है। बता दें कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में देश ने 2 बार अपनी जगह बनाई है। हरनाज देश की तीसरी मिस यूनिवर्स है। साल 1994 में सुष्मिता सेन ने देश का प्रतिनिधित्व किया था, जिन्होंने इस ताज को हासिल किया था। वहीं साल 2000 में लारा दत्ता ने इस ताज पर अपना नाम दर्ज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।